नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। कहते हैं कि हमारे देश में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अव्वल वे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और दूसरे वे जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं। यूपीएससी बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में शुमार की जाने वाली परीक्षा, जिसकी परीक्षा में सफल होने के बाद लोग किसी जिले के मजिस्ट्रेट, पुलिस महकमे में आला अफसर और किसी मंत्रालय में अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं। मगर क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये प्रोग्राम, जिसमें हम आपको यूपीएससी से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर बताएंगे। हमारे देश में कोई एक नौकरी जिसका चार्म आज़ादी से लेकर अब तक बरकरार है तो वो है यूपीएससी। हिंदी पट्टी में तो आज भी आईएएस हो जाना सफलता का सबसे बड़ा मापदंड है। मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट अघोषित रूप से जिले के मालिक होते हैं। भारतीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने के बाद कैंडिडेट रैंक के आधार पर आईएफएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईआईएस बनते हैं। आपको बता दें कि यह परीक्षा तीन चरणों में होती है, प्री, प्रारंभिक, मेंस, मुख्य और साक्षात्कार। गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा को ही सी सेट कहते हैं। इन परीक्षाओं में उम्मीदवार की ऐतिहासिक लैंग्वेज, मैथ, साइंस और सामाजिकता से जुड़े ज्ञान की परीक्षा होती है। यह तो हुई ऊपरी बात, मगर हम खास आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी तैयारी और सिलेबस से जुड़ी कुछ अन्य बातें, जिसे आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है। तीन चरणों में परीक्षा में पहला परीक्षा प्रारंभिक पीटी परीक्षा होता है। मेन परीक्षा में वह परीक्षार्थी शामिल हो जाते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं। उसके बाद दोनों को क्लियर करने के बाद होता है इंटरव्यू। क्या होनी चाहिए आईएएस बनने के लिए योग्यता? किस उम्र तक दे सकते हैं एग्जाम? कितनी बार में क्वालिफाई करना होता है जरूरी? चलिए देते हैं आपको पूरी डिटेल। आईएएस बनने के लिए किसी भी अभ्यर्थी के पास किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। लेकिन जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है वह अभी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। व्यावसायिक व तकनीकी कोर्स जैसे MBA, MTech, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर आदि डिग्री धारक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ओपन विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार भी इस परीक्षा में बैठने के हकदार हैं। राष्ट्रीयता, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। लेकिन आईआरएस और अन्य सेवाओं के लिए भारत का नागरिक हो या भारतीय मूल के एक व्यक्ति जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी जैसे नेपाल, इथियोपिया या वियतनाम में भारत में अस्थायी रूप से नागरिकता हासिल कर लिया हो। इसके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 32 वर्ष, जबकि ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। शारीरिक रूप से विकलांग सामान्य वर्ग के लिए 42 वर्ष, ओबीसी के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 47 वर्ष। सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु में से किसी वर्ग के लिए कोई छूट नहीं है। सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इस परीक्षा में वर्षों की गणना 1 अगस्त से की जाती है। जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए सामान्य 37 वर्ष, ओबीसी 40 वर्ष, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 50 वर्ष। विकलांग सैनिकों को ड्यूटी से अक्षम किया गया हो सामान्य 37 वर्ष, ओबीसी 38 वर्ष, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 40 वर्ष। प्रयासों की संख्या की अगर बात करें तो कौन कितनी बार एग्जाम दे सकता है? सामान्य वर्ग 6 बार, ओबीसी 9 बार, अनुसूचित जाति या जनजाति अनलिमिटेड 37 वर्षों तक। अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसे प्रयासों की संख्या अतिरिक्त मिलता है। यूपीएससी का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में दो धारणाएं आती हैं। पहला ये कि 15 से 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर आप सही रणनीति अपनाकर 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो इस एग्जाम को क्रैक कर दूसरे लेवल पर पहुंच सकते हैं।
हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए और सबसे जरूरी कि आदत क्या होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। पूरी समझ बना ले, यूपीएससी के परीक्षा स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत बिना किसी वजह के ही यूपीएससी के सिलेबस को न सिर्फ देखना। यूपीएससी के परीक्षा स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत बिना किसी वजह के ही हो। यूपीएससी के सिलेबस को न सिर्फ देखना बल्कि उसे समझना भी चाहिए। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स का अभ्यास करना चाहिए और उनके हिसाब से अपनी आगे की तैयारी भी करनी जरूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना। अब इस बात से तो लगभग सभी वाकिफ होंगे कि न्यूज़पेपर को लगातार पढ़ना कितना फायदेमंद हो सकता है। इस मामले में यदि आप किसी भी सफल यूपीएससी कैंडिडेट से बात करेंगे तो वह अखबार पढ़ने को सबसे ऊपर रखेगा और अखबार पढ़ने की सलाह जरूर देगा। एनसीईआरटी की किताबें। यूपीएससी की परीक्षाएं छोटे मोटे बदलाव को छोड़कर अधिकांशतः एक थर्रे पर ही चलती हैं। इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए एनसीईआरटी की किताबें, खासतौर पर सोशल साइंस की किताबें जरूर पढ़ी जानी चाहिए। वैसे तो इन सारी किताबों को हम आप अपने स्कूली दिनों में पढ़ चुके होंगे, लेकिन इन किताबों को फिर से पढ़े जाने की जरूरत होगी। इन सारी किताबों को पढ़कर अपना बेस तैयार करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट समझदारी से चुनें। कॉलेज आने वाले और यूपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को पिछले साल के सवालों और यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी पहले से कर ले। ऐसा करने से उन्हें दूसरों से आगे कर देता है। मशहूर लेखकों की किताबें पढ़ें। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दिन भर सिलेबस और परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। सिलेबस के चीज़ों के अलावा भारत के इतिहास और राजनीति पर लिखने वाले जाने माने लेखकों की किताब जरूर पढ़ें। इन्हें पढ़ने से आपका मन भी लगा रहता है और दूजा आप महत्वपूर्ण जानकारियां भी इकट्ठी कर लेते हैं, जो यूपीएससी के लिए खासा तौर पर बेहद ज़रूरी है। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करे, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो अगर आप भी आईएएस या कोई अधिकारी बनने का सपना रखते हैं तो सही रणनीति अपनाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें जाना होगा, हमें दीजिए इजाजत। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसा ही खास प्रोग्राम लेकर। नमस्कार।